लोग कांग्रेस के जो वहां पे लोगों को भड़का रहे थे, मैं तो इतनी भी हिम्मत रखती हूँ, बाय नेम बोलती हूँ, मैं नहीं डरती हूँ तुम लोगों की तरह, है ना। अब बात सुनिए मेरी बात, जो दो तीन उछल कूद कर रहे थे, 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 आज कहाँ गए वो? माफी मांगिए, माफी मांगिए, माफी मांगिए, नहीं माफी मांगनी पड़ेगी इन्हें। कैसे कह दिया उछल कूद कर रहे हैं, माफी मांगिए, माफी मांगनी पड़ेगी। कैसे कह दिया कि उछल कूद कर रहे हैं, कैसे आपने हमारे हक हकूक दारियों का अपमान किया है। खबरदार जो आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए, करिए बेशर्मी। आप दिखा रहे हैं, आप एक मुख्यमंत्री नहीं तीन तीन मुख्यमंत्री दे चुके हैं, माफी मांगिए। खबरदार जो हमारे हक हकूक दारियों को आपने ये कहा, खबरदार, खबरदार जो आपने हमारे हक हकूक दारियों को कहा कि ये उछल कूद कर रहे हैं, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। इस राज्य की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, हमारे हक हकूक दारियों से माफी मांगनी पड़ेगी। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कर रही है, इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, इन्हें इनके पद से हटाया जाए। ये कह रही है कि हमारे हक हकूक दारी जो है वो उछल कूद करते हैं, बेशर्मी की पराकाष्ठा है ये, बेशर्मी की पराकाष्ठा। माफी मांगे आपसे, मैं केवल ये कह रही हूँ, अपने शब्दों को वापस लीजिए, मुझे जो कहना है कह दीजिए, मैं सह लूंगी, लेकिन मेरे हक हकूक दारियों को अपमानित करने का अधिकार आपको नहीं है। यू आर डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। आप हमारे हक हकूक दारियों को कह रही हैं कि वे उछल कूद करते, शब्दों का चयन देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा इस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से दिखता है। जिस वक्त से ये आए हैं, 25,000 करोड़ का और ऋण हो गया हमारे ऊपर, सिर्फ 4.5 सालों में तीन तीन मुख्यमंत्री, प्रचंड बहुमत की सरकार का, शर्म आनी चाहिए इनको।